हाँ नेक्स्ट आ जाओ। अब्दुल्ला जी ये तो चीटिंग है, पहले मैं आया था। पहले सीट पे मैं बैठा था। ओ लल्लड़, ओ यार ये तो नाइंसाफी है। अब हम क्या बोलें? भतीजे तू ही बता दे कैंची चला के। जिसके बाल कम है उसकी कटिंग जल्दी हो जाएगी, तो उसे बिठा दो। तो बलवान तू बैठ जा, तेरे बाल मुझसे कम है। ओ नहीं नहीं नहीं, अपल्ला जी मेरे बाल कितने लंबे और घने हैं, इसलिए पहले आप। अल्ले लो, अभी पहले मैं कर रहे थे, अब पहले आप। गिन गिन के 4-5 बाल होंगे कैंची चला के। ओ तो कोई नहीं लल्लन, बाल काटने के बाद तू जो सर की मालिश करता है ना वो कर। अपल्ला जी वो आपने मेरा नंबर छीन लिया, वो मालिश तो मुझे भी करनी थी। अरे आप दोनों चिंता ना करो भाई, दोनों का एक साथ मालिश करता हूँ कैंची चला के। हाँ चलो जी हो गई मालिश, लाओ मेरे पैसे, 50 रुपया आपके और 50 रुपया आपके, निकालिए कैंची चला के। 50? किस बात के 50, मैंने तो बाल काटे ही नहीं। अल्ले लो, मालिश तो करवाई कैंची चला के। लेकिन मालिश तो बाल काटने के बाद फ्री होती है ना, तो जो फ्री है उसके पैसे कैसे। ओए मैंने क्या मनी प्लांट लगा रखा है, बाल काटे ही नहीं तो पैसे किस बात के। मुझे मेरे मालिश के पैसे चाहिए। नहीं दूंगा। चाहिए पैसे लेकर आऊंगा। नहीं छोड़ूंगा लल्लन, तुझे नहीं छोड़ूंगा। अरे शांति रखो शांति, अभी मैडम जी आ रही होंगी बस। रबावड़ी बूझ, मैडम जी आ गई है ऑलरेडी। के बात से इतना शोर क्यों मचा रखा से, कोई लूट पाट हो गई के? हाँ मैडम जी, अब खुद ही देख लीजिए। रबावड़ी बूझ, यो के है कोई बाल मुंडन प्रतियोगिता हो रही सके? देखा मैडम जी, आप भी हमारा मजाक उड़ा रही हैं। हम तो किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहे। अरे भैंस की पूछ, लेकिन यो किया किसने? वही तो पता नहीं है मैडम जी, रात को बरामदे में सो रहे थे, सुबह ये हाल था। अरे यो बात तो कुछ पल्ले ना पड़ रही से, कोई रातों रात इतने सारे गंजे पैदा कर गया। लेकिन क्यों? अरे भतीजे, मैडम जी तुम्हें याद कर रही है, जल्दी आओ। क्या कहाँ? मिमिक्री भाई के ढाबे पे। हाँ हम अभी आए। घना स्मार्ट हो गया बहादुर तू तो। रबावड़ी बूझ, मेरा मेकअप खराब कर दिया। अच्छा तो इनकी बात कर रही थी अब बंदूकनी जी। भतीजे मन ने तो लग गया कि कोई पागल हो गया से। मेरे बाल मेरी आन बान और शान है, भतीजे पकड़ ले, शाना हो या पागल उसे जकड़ ले। सबसे पहले ये समझना होगा कि बाल काटने से किसी का क्या फायदा होगा। ओए भतीजे फायदा नहीं, लेकिन नुकसान जरूर होगा। अरे नुकसान किसका है? ओए लल्लन टॉप का, अगर कोई फ्री में बाल काट जाएगा तो लल्लन का बिजनेस तो चौपट हो जाएगा ना। इसका मतलब है कि यो जो भी है वो लल्लन का दुश्मन से। ओए हाँ, आज सुबह ही तो लल्लन जी और पल्ला जी का झगड़ा हुआ था। यानी कि भल्ला। बंदूकनी जी मुझे तो कुछ और ही लगता है। देखिए कितनी सफाई से बाल काटे हैं, ना खरोच और ना ही कट, और जिसके बाल कटे उसे तो पता भी नहीं चला। क्यों, आप लोगों को पता चला? नहीं। और सबके बाल कटे हैं, लेकिन किसी ने ये सोचा कि कटे हुए बाल हैं किधर?
प्र भतीजे बड़ी दूर की सोचता है तू। ऐसी हाथ की सफाई तो एक ही आदमी के पास है और उसे पकड़ने का प्लान भी है मेरे पास। बाल घुमा के सेठ जी, पूरा रात में हम 16 लोगों को गंजा बनाया हूँ। ये रहा सबका बाल कैंची चला के। अरे लल्लन चिंता मत करो, पूरा शहर यही सोचेगा कि तुम्हारे किसी दुश्मन ने ये काम किया है, तुमने नहीं। बाल घुमा के। लेकिन सेठ जी, ऐसे तो थोड़े ही दिनों में ये शहर गंजा शहर हो जाएगा, फिर तो हमारा धंधा तो हो गया ना चौपट है कैंची चला के। अरे बाल तो घर की खेती है, कभी भी उग जाएंगे और इनसे हम उम्दा विग्स बनाएंगे और तगड़ी रकम कमाएंगे। क्या बाल घुमा के। लल्लन कुछ ऐसे लंबे घने बाल काट लाओ। क्या बाल घुमा के। अरे ये तो मिमिक्री है, आज रात ही काम तमाम कर दूंगा कैंची चला के। अरे आओ आओ बलवंत जी, तो क्या सेवा करूं आपकी कैंची चला के। ओए ललन, आज तो सेवा मैं करने आया हूँ तेरी। किसी प्रोडक्ट के साथ ये ब्लेड फ्री में मिले थे, अब मेरे किस काम के, तो सोचा तुझे दे दूँ। अरे शुक्रिया बलवंत जी, ये तो काम का चीज है कैंची चला के। उबासी लिए जा रहे हो। अरे वो आज कोई कस्टमर नहीं है ना, बस बैठे बैठे नींद आती है या फिर उबासी आती है कैंची चला के। अच्छा चलते हैं। ओए पतिजे, तेरा शक तो सही लग रहा है। चाचू अब देखना, खोजी अंकल का दिया हुआ केमिकल उस ब्लेड पे लगा है और आज रात लल्लन अंकल वो ब्लेड यूज करेंगे तो पकड़े जाएंगे। मेरे बाल। बहुत डरावना सपना था। अब इस पुतले को ही चारपाई पे लिटा देता हूँ, भतीजे ने दिए तो जरूर कुछ आइडिया होगा, मेरे बाल बच जाए बस। थैंक्स भतीजे, तुम्हारी वजह से मेरे बाल बच गए। चाचू मेरा शक 100% सही निकला, ये तो लल्लन अंकल का ही काम है। ए भतीजे कैसे पता चला। लल्लन अंकल को जो हमने ब्लेड दिया था उस पे एक केमिकल लगा हुआ था और इस पुतले के सिर पे नींबू, वो केमिकल नींबू से लगते ही लाल हो जाता है। ओ जी भतीजे, तेरे दिमाग के घोड़े बड़े तेज दौड़ते हैं। चाचू अब हमें भी दौड़ते हुए बंदूक नीची को ये बात बतानी होगी। लल्लन अंकल, मिमिक्री भाई का अच्छा सा हेयर कट करना है। ना 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 ना, वो तो अब हो ही नहीं सकता ना कैंची चला के। क्यों लल्लन भाई, बोले तो क्यों नहीं हो सकता। मिमिक्री तुम्हारे बाल, लेकिन हमने तो रात को। अरे अरे बोल दो लल्लन अंकल, रात को जिसके बाल काटे थे ना वो ये पुतला था। बावड़ी बूझ, बोत कर लिया लोगों को गंजा, अब तेरी बारिश है कैंची चला के। बाला सेठ हम पकड़े गए, भागो। बाला के होते हुए तुझे कोई हाथ नहीं लगा सकता लल्लन, इनको मजा चखाऊंगा बाल घुमा के। मेरा मेकअप खराब कर दिया, नहीं छोड़ूंगी। पतिजे कुछ कर। हाँ मुझे तो ऐसा पड़ा झापड़, बोले तो जैसे फैन पे सूख रहा है पापड़।
किसी ना किसी खंबे से लग के खड़े रहो और जैसे ही वो सिर घुमाए नीचे झुक जाना, ओके? बाला सेठ, तुम भी गंजे हो कैंची चलाते? ललन भाग। पैसों के लालच में ललन अंकल आपकी कहानी सोने के अंडे देने वाली मुर्गी जैसी हो गई। ओए जी, तुम्हारा नाम बाला सेठ नहीं गंजा सेठ होना चाहिए। बुरे काम का बुरा नतीजा। क्यों भाई चाचा? ओए हाँ भतीजा।